छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर कांग्रेस ने आर भारत न्यूज चैनल के संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ सिविल लाइन एसपी को लिखित शिकायत देकर भ्रम फैलाने की कोशिश के लिए एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर अपने चैनल में प्रस्तुत किया। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने अर्णब के खिलाफ अपनी शिकायत सीएसपी नसर सिद्दीकी को सौंपी। शिकायत सौंपने के बाद कांग्रेस नेत्री किरणमयी नायक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने 16 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें उन्होंने लॉकडाउन के लिए कुछ सुझाव केंद्र सरकार को दिए थे। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस यूट्यूब और सारी जगह पर स्पष्ट रूप से उल्लेखित है, परंतु उसके बाद भी राहुल गांधी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का गलत प्रयास रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी के द्वारा किया गया है। हमारे केंद्रीय पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने 16 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उसमें लॉकडाउन के लिए कुछ सजेशन उन्होंने केंद्र सरकार को दिए थे। राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का कुत्सित प्रयास रिपब्लिक टीवी के अर्णब गोस्वामी जी के द्वारा किया गया। उसका वॉयलेशन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में इन्होंने अपने टीवी चैनल का मिसयूज किया हुआ है। भारत रिपब्लिक टीवी के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, उनके द्वारा चेकिंग को लेकर के कोरोना के फाइट के अगेंस्ट में कुछ भ्रमात्मक खबर उन्होंने जारी किया था, जिसके संदर्भ में उन लोगों ने आवेदन दिया है, जिसको हम लोगों ने अभी लिया है, इसमें परीक्षण करके इसमें अग्रिम कार्रवाई हम करेंगे। और अब बात राजधानी भोपाल की, जहां पर कल कोरोना के 29 नए मामले मिले, जो किसी एक दिन में सबसे ज्यादा हैं। भोपाल की सभी लैब से 200 सैंपल की रिपोर्ट